हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज की वीडियो में हम पूनावाला फिनक्रॉप शेयर को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इस स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए राजा जी ने क्वेश्चन किए थे पूनावाला फाइनेंस एनालिसिस। तो अभी हम चलते हैं पूनावाला का चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड जिस लेवल के ऊपर हमारा मार्केट है ना, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने का कुछ मतलब ही नहीं है। आप हमेशा से याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी एक स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेता है ना, उसके बाद उसका जो 50-70% मूव है ना, हमेशा से इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद आता है। यानी एक स्टॉक का वैल्यूएशन बनता है 50 में एंड इस स्टॉक का जो बैलेंस 60-70% मूवमेंट आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद आएगा। इसीलिए आप जब भी वैल्यूएशन कैलकुलेशन करते हैं, एक बड़ा ट्रेंड एस्टेब्लिश होने के बाद कभी भी वैल्यूएशन में मत रुकिए, क्योंकि जो वैल्यूएशन होता है ना पेंडुलम टाइप का, ये हो गया एक्सट्रीम तक ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे ही इस साइड में भी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, बीच में रहेगा वैल्यूएशन। ओके, ये रहेगा वैल्यूएशन 10 का, जब नीचे आएगा यहाँ पे 2 तक जाएगा, जब ऊपर जाएगा वो 100 तक भी जा सकता है। इसीलिए वैल्यूएशन के आसपास ही कभी भी प्राइस नहीं रुकता है, इधर प्राइस नीचे की तरफ एक्सट्रीम जाएगा नहीं तो ऊपर की तरफ एक्सट्रीम जाएगा। एक क्रिटिकल कैरेक्टर होता है प्राइस का, ये हमेशा से याद रखिएगा। ओके, आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है पूनावाला फिनकॉर्प का एंड यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस उसका मंथली रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है ना, हाई प्रोबेबिलिटी कि उसी लेवल के आसपास आपको फ्रेश एंट्री नहीं करना है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे होंगे 2098। ओके, पॉइंट था, देखिए इस लेवल को प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times। ओके, वही मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रहा है एंड अभी तक ब्रेक नहीं किया है। जब भी एक स्टॉक का प्राइस उसका जो 15 ईयर का रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, वहाँ पे अभी के लिए तो फ्रेश एंट्री करने की जरूरत नहीं। लेकिन मल्टीयर का रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा क्या हो सकता है, मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। आई होप कि आप पूनावाला फिनकॉर्प का चार्ट स्ट्रक्चर को देखकर अभी समझ पाए होंगे क्लियर कट मल्टीयर का रेजिस्टेंस का पास में ही ट्रेडिंग कर रहा है। अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो अभी एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये तो हो गया मंथली, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में वही रेजिस्टेंस के आसपास अभी चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ राशियो चार्ट, किसका, पूनावाला वर्सेस निफ्टी 500 का, उसके बाद मैं निफ्टी का दिखाऊंगा। देखिए आपके स्क्रीन के सामने अभी पूनावाला वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट ओपन हुआ है। राशियो चार्ट आपको क्या बताता है, कोई भी सिक्योरिटी का आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम राशियो चार्ट को यूज करते हैं। एंड राशियो चार्ट को यूज कैसा किया जाता है, उसका मीनिंग क्या है, ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, उसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आपको ऑलरेडी होम पेज में उसका लिंक होगा। देखिए क्लियर कट जो 2008 का जो यहाँ पे हाई था ना, वही रेजिस्टेंस के आसपास देखिए अभी पूनावाला फिनकॉर्प ट्रेडिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि जब तक प्राइस इस ब्लू लाइन के ऊपर वीकली या मंथली क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक इस लेवल से पूनावाला फिनकॉर्प निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म करेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, अंडर परफॉर्म करेगा, नीचे का बढ़ेगा या गिरेगा वो अलग बात है, जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, माने किसी भी दिन नहीं तो किसी भी वीक किसी भी मंथ में प्राइस यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट आ जाएगा ना, उसके बाद पूनावाला फिनकॉर्प में ड्रैगन मूव आ सकता है, जो कि मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा ड्रैगन मूव क्या होता है। ओके, इस टाइप का ब्रेकआउट आना चाहिए, तो अभी के लिए तो कम से कम हमको न्यूट्रल रहना है। अगर है आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कम से कम 50-60% निकाल दीजिएगा जब तक कि ब्रेकआउट नहीं आता है। एक बार जब ब्रेकआउट आ जाएगा राशियो चार्ट में वीकली नहीं तो मंथली, उसके बाद आप री एंटर कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम तो एग्जिट कर लेते हैं, फिर से री एंटर करने में हमको फियर लगता है, वही बड़ा गेम है। टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप करते हैं ना, आपको एग्जिट करना पड़ेगा फिर से री एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कुछ साइन नहीं है ना, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, ना प्राइस ने ब्रेक किया है, ना राशियो चार्ट में ब्रेक किया है, तो कैसे हमको कन्फर्मेशन मिल जाएगा हमको फ्रेश बाय करने के लिए। तो फ्रेश तो बाय का चांस नहीं अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। ब्रेकआउट आने के बाद बड़ा मूवमेंट आएगा जो कि पूनावाला फिनकॉर्प को और भी 50-70% का अपमूव दिला सकता है, लेकिन अभी के लिए हमको ब्रेकआउट का वेट करना है। ये तो हो गया पूनावाला वर्सेस निफ्टी 500 का चार्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूं पूनावाला वर्सेस निफ्टी 50 का चार्ट। ये हो गया पूनावाला वर्सेस निफ्टी का राशियो चार्ट। एग्जैक्टली देखिए
वही मॉल्टियर का रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जब तक कि प्राइस ये जो मॉल्टियर का रेजिस्टेंस है ना उसको वीकली बेसिस पर नहीं तो मंथली बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक तो हमको पुनावाला में फ्रेश एंट्री नहीं करना है। देखिए प्राइस उसका मॉल्टियर का रेजिस्टेंस के आसपास है, रेशियो चार्ट भी उसका मॉल्टियर का रेजिस्टेंस के आसपास से फ्रेश एंट्री क्यों करना है। फ्रेश एंट्री हम तभी करेंगे जब यहाँ पे वीकली या मंथली ब्रेकआउट आ जाएगा रेशियो चार्ट में भी और प्राइस में भी। अब हम चलते हैं पुनावाला फिंकर का चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। ब्रेकआउट आने के बाद किस टाइप का मूव स्टॉक में आ सकता है, जब ब्रेकआउट आएगा अभी नहीं, अभी तो ऑलरेडी आप चार्ट में समझ चुके होंगे कि मॉल्टियर का रेजिस्टेंस के आसपास चला है। देखिए जिस लेवल पर अभी पुनावाला फिनकर ट्रेडिंग कर रहा है, देखिए मॉल्टियर का रेजिस्टेंस, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस यहाँ पे वीकली या मंथली क्लोजिंग आ जाता है इस टाइप का कैंडल, उसके बाद आराम से प्राइस इस टाइप का 50-80% तक मूवमेंट आ सकता है, जो कि हम बोलते हैं ड्रैगन मूव, क्योंकि ये जो मूव है ना बहुत ही स्पीड के साथ आएगा। पर वीक हर वीक प्राइस ऊपर जाएगा अगर एक बार ब्रेकआउट आ जाएगा तो। कैसे मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ इन्फी का चार्ट स्ट्रक्चर, एंड बहुत सारा चार्ट में इस टाइप का ड्रैगन मूव आया था। देखिए इन्फी में क्या हुआ था, ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हूँ इस लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा, इसका कलर मैं अभी कर लेता हूँ ब्लू जो कि आपको दिखाई देगा, और थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। देखिए ये था 2010 का हाई, 2010 का हाई, एंड ये था यहाँ पे 2021, लगभग 10 ईयर्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस था। एंगल के ऊपर फोकस कीजिएगा, पुनावाला का भी इस टाइप का एंगल है, ट्रेंड लाइन का एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो मॉल्टियर का रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे ड्रैगन मूव आया था, बहुत ही स्पीड के साथ इस टाइप का मूव आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो। इसीलिए अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना है पुनावाला में, एक बार ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा, अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम का एंट्री करेंगे तो लो कॉन्टेक्ट के साथ कीजिएगा, मोर कॉन्फर्मेशन मिलेगा रेशियो चार्ट में वीकली या मंथली में। रेशियो चार्ट में डेली ब्रेकआउट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेशियो चार्ट में वीकली एंड मंथली ब्रेकआउट वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए डेली चार्ट का ब्रेकआउट को रेशियो चार्ट में अवॉइड कीजिएगा, मंथली वीकली का अवॉइड कीजिएगा। अगर मानिए पुनावाला में यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है, बड़ा सा कैंडल बन जाता है, उसी केस में आप वाटर टेस्ट क्वांटिटी ले सकते हैं ब्रेकआउट आने के बाद। ओके आई होप कि समझ पाए होंगे पुनावाला में किस टाइप का अभी स्ट्रक्चर बन रहा है एंड ब्रेकआउट आने के बाद आपको क्या करना है। अभी के लिए कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। अगर आपके पास पुनावाला का कुछ शेयर है, मेरा व्यू में आपको 50-70% तक प्रॉफिट बुक कर लेना है, एंड जो प्रॉफिट बुक करेंगे ब्रेकआउट के बाद फिर से ऐड कर देना है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे, अगर आपका कुछ डाउट है फिर से आप वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।